ये देखिए गाइस, अब ये सोया हुआ है। इसकी मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं मुझे खुद लग रहे हैं मेरे हाथ। अब ये सोया भी उठेगा, फिर इसको इसकी आंखें देखेंगे हम। ये आरती, नहीं सॉरी ममता, सॉरी। हाँ गाइस, ये है आरती मेरी फ्रेंड। हम इसी के वहीं आए हुए हैं और ये हमारे साथ जॉब करती थी और यहाँ भी है। ये बोल रहे थे देख तो मुझे मत दिखाओ, होगा तो और मेरे को ही दिखाओ। दिखा गाइस, जो कहता नहीं दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। मेरे को बस भूल जाना जल्दी से। ममता दी और ये तो पहचान, इसे तो आप पहचान, इसे तो आप व्लॉग में जानते होगे। तो अभी हमारे आई है चाय और बिस्किट नमकीन, जो हम खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय मॉर्निंग व्लॉग्स। आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम उठ गए हैं, नहाना हमारा हो चुका है, अब हम बना रहे नाश्ता। और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। ये देखिए गाइस, ये मूली खोल के रखी है और पराठे वहाँ सेक रहे हैं। ये पराठा हमारा बन चुका है और अभी इनको तो हमने दे दिया है, वो खा रहे हैं। और पराठे के वजह से कितना धुआं धुआं हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ, जैसे वो स्नोफॉल नहीं होता है वैसा जैसा लग रहा है, पूरा धुआं धुआं। तो यहाँ पराठा बन रहा है और पराठा आपको दिखाती हूँ। और हमने आंवले का अचार डाला था तो वो भी काफ़ी टेस्टी हो रहा है, मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा नाश्ता आ चुका है, पराठा, और साथ में है ये आंवले का अचार जो काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो पराठे के साथ आंवले का अचार, और ये तो अभी खा ही रहे हैं। तुम किसके साथ खा रहे हो? सॉस के साथ ये खा रहे हैं, टमाटो केचप के साथ, और मैं खाऊंगी आंवले के साथ। देखिए गाइस, आंवले का अचार और साथ में मूली का पराठा है, आपको दिखाती हूँ। ये है इसके अंदर मूली, ये और आंवले का अचार। नाश्ता। तो गाइस, शाम हो चुकी है और अभी जो है हमारा प्लान बना हुआ है। प्लान हमारा 2 हफ्ते से बना था कि हम जाएंगे अपनी फ्रेंड के वहाँ। मेरी एक फ्रेंड है आरती, उसका लड़का हुआ है, तो बहुत टाइम पहले से हम सोचे थे जाएंगे, पर प्लान आज पूरा हुआ है। पूरा मतलब आज सही से आज हम लोग जाएंगे वहाँ। तो मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था, वो बोल रही है आ रहे हो आ जाओ, उसकी भी छुट्टी है, मेरा भी लगभग सारा काम हो चुका है। तो अभी मैं और मनु जा रहे हैं और मैं हो रही हूँ तैयार, बाल बनाती हूँ, स्वेटर मैंने पहन ली है और कपड़े तो वही नॉर्मली पहन रही हूँ क्योंकि यहीं पे जाना है, पीली कोटी पे है। तो मनु आ रही है, मनु तैयार होती है, तैयार हो जाओ। मैं तो यही पहन के जा रही हूँ, बाल बनाती हूँ, बस हो गया। और तो अभी मनु बाल में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आना है, इनका ऑर्डर है, जल्दी जल्दी घर आना अंधेरा होने से पहले, है ना। आज बीमार हो गया, बुखार आ गया, तो हम होते हैं तैयार। तो गाइस, हम हो चुके हैं तैयार, दोनों ननद और भाभी। पर अभी जाने से पहले हम लोग पीते हैं चाय, चाय के साथ पियेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ला गए पापा। अरे यार पापा, ये वाली नहीं, ये वही तो है, ये नहीं थे फिर, अरे बड़ा नहीं, ये नहीं थे ना, ये तो है छोटा है, अब वो बड़ा होता है, एक ही तो है, लंबा वाला कहाँ है, लंबा वाला ही आगे, उसी का तो छोटा है, चालीस का है, एक ऐसी लंबे वाले भी अच्छे लगते हैं, चलो हाँ लंबा वाला उसी है, वही है, फैन ही तो है, हाँ फैन, नाम याद आ गया, चलो बना रहे हैं फटाफट, चाय पी के जाते हैं। तो गाइस, अब हमारी चाय भी बन के आ चुकी है, और चाय और फैन, छोटे वाले फैन है,
छोटे वाले हैं, इसको खाता है फिर हम निकलते हैं यहाँ से। जल्दी जल्दी रात भी हो रही है। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पीलीकोटी और ये मन्नू है। हम आ गए जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे घर के बगल में ही है, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अभी ममता दी को फ़ोन करते हैं, वो पूछते हैं कि कहाँ पर है, उनको देखते हैं। फ़ोन करती हूँ मैं उनको पहले। ये देखिए गाइस पीलीकोटी का, और फ्रेंड को फ़ोन कर दिया है, वो भी आने वाली है रास्ते में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फ्रेंड के वहाँ, और पूनम दी आ चुकी है, ममता दी आ रही है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ आरती का बेटा। ये बस कच्चे झगड़ो, ये देखिए गाइस अभी ये सोया हुआ है। इसकी मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं मुझे खुद लग रहे हैं मेरे हाथ। अभी ये सोया भी उठेगा, फिर इसको इसकी आँखें देखेंगे हम। ये आरती नहीं, सॉरी ममता, सॉरी हाँ। ये देखिए गाइस क्यूट किसा, पर काजल इसका बहुत आगे लगा दिया ना, काजल ज्यादा लगा दिया। तो गाइस ये है आरती मेरी फ्रेंड, हम इसी के वहीं आए हुए हैं, और ये हमारे साथ जॉब करती थी, और यहाँ भी है ये बोल रहे थे देख तो मुझे मत दिखाओगा तो और मेरे को ही दिखाओ दिखाओ गाइस, जो कहता नहीं दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, मेरे को बस भूल जाना। ममता दी और ये तो पहचान दी, इसे तो आप पहचान, इसे तो आप लोग में जानते होंगे। तो अभी हमारे लिए आई है चाय और बिस्किट नमकीन, जो हम खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये है मेरी फ्रेंड, और अब हम जा रहे हैं घर को। बहुत गप्पे मारी हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया, मतलब क्या बाय। तो गाइस अभी हम जाते हैं घर को, बहुत देर हो चुकी है, देखिए अंधेरा हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, और काफ़ी देर हो चुकी है, फ्रेंड लोग भी चले गए हैं पीछे, वो भी जा रहे हैं घर को, और रात हो चुकी है। इनके भैया का फ़ोन भी आ चुका है कि रात हो गई जल्दी घर आओ, तो जा रहे हैं रास्ते में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और मम्मी भी ये है, गीता दी आई हुई है, और काफी मजा आया आज हमें, बहुत ज्यादा मजा आया। दोस्तों के साथ गप्पे मार के पुरानी पुरानी बातें। तो गाइस हम वहाँ से आ ही चुके थे, और अब हम लोगों ने खा लिए खाना, हम लोग अभी बिस्तर में घुसे हुए हैं। तो आज ना वहाँ जाके इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब पहले हम लोग जहाँ जॉब करते थे तो हम सब साथ में करते थे, तो वहाँ पे हम खूब इंजॉय करते थे, साथ में खाना खाते थे, और जॉब भी साथ करते थे, साथ में मज़े भी करते थे। तो अभी ना उन लोग से मिल के वो सारी यादें वापस आ गई, कि वो कहते हैं ना, मतलब कॉलेज टाइम हो गया, स्कूल टाइम हो गया, और जॉब टाइम हो गया, ये दिन हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों के साथ मस्ती करना, इधर उधर घूमना, तो हम लोग उनके साथ बहुत घूमते थे, घूमने भी जाते थे। तो अब तो उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा है, और मन्नू भी गई थी हमारे साथ, काफ़ी अच्छा लगा उन सबसे मिल के। बहुत टाइम, कम से कम 6-7 महीने, हाँ वो लोग आए थे मेरी शादी में आए थे, तो तब से हम लोग आज मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से मिल के। अब एक प्लान बनाया है, कभी घूमने जाएंगे, तो देखते हैं, अगर मेरे हस्बैंड हाँ बोलेंगे तो कभी जाएंगे घूमने, अगर इन्होंने मना कर दिया तो फिर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार भी आया हुआ है, और अब देखते हैं कब तक ठीक होते हैं, फिर जल्दी ठीक हो जाएंगे तो सही है। अभी भाप भी दिया हुआ है इनको, और अदरक भी मुँह में डाल रखा खांसी के उससे, क्योंकि खांसी सही नहीं हो रही है। तो आप लोग तो गाइज़ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।